इंशाल्लाह भाई इस क्लास में हम जो है रेनबो इफेक्ट पढ़ेंगे। रेनबो के बारे में, रेनबो कैसा होता है, इसका कैसा फॉर्मेशन होता है। इसमें देखिए सबसे पहले हमको ये समझना है कि रेनबो कब होता है। हम सब जानते हैं जब आमतौर पे बारिश होती, और बारिश के साथ ही अगर सूरज निकल गया तो सूरज के जो किरणें होते, सूरज के जो रेस होते, वो जब पास होते तो इसमें जो छोटे छोटे वाटर ड्रॉप्स होते है ना, वाटर ड्रॉप्स में, सपोज ये वाटर ड्रॉप्स है, इसमें से पास होते हैं। वो कैसा होते है, क्या है पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक फिगर है, देखिए ये फिगर जो है जहाँ पे एकदम अच्छा खुला नज़र जो आता है उसको है ना, ये इसको बोलते हैं प्राइमरी रेनबो बोलते हैं। इसमें जो है सबसे ऊपर रेड नज़र आता, फिर उसके बाद ऑरेंज, फिर ऐसा नीचे होते होते लास्ट में वायलेट नज़र आता। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जो प्राइमर, लेकिन इसके थोड़ा ऊपर के साइड में और एक जो है और एक रेनबो नज़र आता है, वो एकदम फेंट रहता है, एकदम फीका रहता है, एकदम ठीक है, क्लियर नज़र नहीं आता। और इसके जो कलर्स होते हैं ये ऑपोजिट होते हैं, जैसे यहाँ पे रेड पहले है, यहाँ पे रेड लास्ट रहता, ऑरेंज पहले रहता। अब ये दो टाइप के अपने को देखना है, इसको डिटेल में समझेंगे हम प्राइमरी रेनबो कैसा फॉर्म होता, फिर उसका जो थोड़ा चेंज करते हो ये हो जाता है सेकेंडरी रेनबो है ना। तो सबसे पहले हम एक बार रिवाइज करो अभी समझाना में, जब ये सनरेज जो है ये जो पास होते हैं वाटर ड्रॉप्स में से, तो इसमें क्या होता है देखिए। अब सपोज़ यहाँ पे एक सनरेज आपका पास हो रहा, अब जैसा ये वाटर ड्रॉप पे लगा, अब अपने को मालूम एक मीडियम में से जब दूसरे मीडियम में लाइट पास होते तो ये क्या होते, यहाँ पे डिस्पर्शन फॉर्म होता है रेस का, रिफ्रैक्शन होता ना, रिफ्रैक्टेड रेस क्या होता है, डिस्पर्स हो जाते। क्यों, इसके जैसा जैसा वेवलेंथ रहते उस लिहाज से ऊपर नीचे हो जाते है ना, डाइवर्ट हो जाते, स्कैटर हो जाते। अब सबसे कम जो स्कैटर होता वो रेड होता, क्यों, रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है इसलिए इसका स्कैटरिंग सबसे कम होता, तो ये थोड़ा डिविएट होके बस ये पास हो गया रेड। और सबसे ज़्यादा जो कौन सा डिविएट होता है, ये वॉयलेट होता, क्योंकि इसका जो वेवलेंथ है बहुत कम है, और जिसका वेवलेंथ कम रहता वो ज़्यादा है ना डिविएट होता, स्कैटर होता। तो ये आगे दोनों यहाँ पे लगे है ना, तो पहले यहाँ पे आ के जब लग रहे तो इसको क्या बोलेंगे, डाइफ्रैक्ट है ना, रिफ्रैक्शन बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रेज जो है। अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्पर्शन फॉर्म रहा है, यानी अलग अलग वेवलेंथ क्लास से कलर्स अलग अलग हो जा रहे है ना। अब ये जो यहाँ पे लग रहा है, ये जब इंटरनल है ना सरफेस पे आके वाटर ड्रॉप पे लग रहा, तो फिर यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किसको पढ़ते हैं, हम ऑलरेडी पढ़े ना भाई, सपोज़ कोई मीडियम के अंदर है ना लाइट रेस पास होके मीडियम के बाहर निकले बगैर फिर वहीं से वापस हो जा रहे, एक ही मीडियम के अंदर है ना, ये है ना, ये क्या हो रहा है भाई, लाइट रेस आके इस पर इंटरसेक्ट हो रहे, फिर ये वापस इसी में आ जा रहे उसी मीडियम में। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर अंदर वाटर ड्रॉप लग के अंदर जो है लग के फिर और यहाँ से जो है ये बाहर निकल जा रहे है ना, फिर यहाँ से डाइफ्रैक्शन है ना, रिफ्रैक्शन होता है, यहाँ से बाहर निकल जा रहे हैं। अब ये निकलते हो देखिए, अब ये जो रेड लेस है ना, ये एंगल बनाएगा 42 डिग्रीज, एंगल क्या बनेगा, 42 डिग्रीज के साथ एंगल, और इसके 42 से जो बढ़ जाएगा ना वो अपनी नज़रों को नज़र नहीं आएगा, वो आई साइड के ऊपर हो जाएगा, तो ये हम यहाँ पे वॉलेट नहीं दिखेंगे अपने को, इससे जो आ रहा है ये सिर्फ हमको रेड दिखेगा। वैसे इसके नीचे और एक ड्रॉपलेट है समझो, अब उसके ऊपर जो रेस जा रहा, सपोज़ ये रेस है देखिए है ना, तो अब ये सेकेंड उसमें जो है ना यहाँ पे जो जा रहा है, यहाँ पे वॉच करिए आप, यहाँ पे जो है ये वॉयलेट जो है आई साइड के ऊपर आ रहा, अपने वॉयलेट क्या है यहाँ पे सपोज यहाँ से दिख रहे, और रेड नीचे हो जा रहा, नहीं दिख रहा। तो भाई जो आइस पे क्या है, पहले हमको रेड दिखेगा, उसके बाद वेवलेंथ क्लास से आखिरी में वॉयलेट दिखेगा, बाकी ये कलर्स बीच में आ जाएंगे है ना। तो इसको बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, रेनबो फॉर्मेशन। कब होता बोलो, जब रेनी सीजन में, रेनी सीजन में जब बारिश के साथ ही फौरन सूरज निकल जाएगा तो सूरज के जो रेज होते हैं ये वाटर ड्रॉप्स में जाएंगे। तीन चीज़ें होंगी यहाँ पे, एक तो रिफ्रैक्शन होगा, फिर डिस्पर्शन होगा, कलर्स अलग अलग होंगे, फिर यहाँ पे जाके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। अब जब टोटल रिफ्रैक्शन होकर फिर ये वापस इसमें से जब निकलेंगे तो यहाँ पे ऐसा होंगे कि ये जो है ना प्राइमरी रेस में ये एंगल 42 डिग्रीज के अंदर जो रहेगा वो हमको दिखेगा, उसके ऊपर जो हो जाएगा जैसे वॉलेट है या आई सेट के ऊपर जाएंगे नज़र नहीं आएगा, तो हमको रेड नज़र आ रहा। वैसे इसके बाद फिर है ना रेड के बाद वॉलेट हुए कलर्स फॉर्म होंगे है ना, इसको बोलते प्राइमरी रेनबो है ना, रेनबो बोलेंगे। अगर सेम केस यहाँ पे देखो, एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, लेकिन ये फिगर में देखिए आप, नेक्स्ट फिगर में यहाँ पे इंटरनल रिफ्लेक्शन देखो, टोटल इंटरफ्लेक्शन दो बार हो रहा, कैसा देखिए, सपोज यहाँ से लाइट रेस पास हो रहे यहाँ से है ना, अब यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये रेड थोड़ा डिवेट हुआ और ये वायलेट थोड़ा डिवेट हुआ लेकिन बाहर नहीं निकले, फिर से एक बार यहाँ पे जाके फिर से रिफ्लेक्ट हो रहा हो, इसको बोलेंगे हम सेकेंड रिफ्लेक्शन है ना, सेकेंड टोटल इंटरफ्लेक्शन, उसके बाद फिर ये बाहर निकल रहे हैं। तो और एक बार जब इंटरनल रिफ्लेक्शन से क्या हो रहा, कलर्स उल्टे हो जा रहे, रेड नीचे का ऊपर हो गया, वायलेट ऊपर का नीचे हो गया, इस वजह से क्या होता है, ये पूरा सिस्टम चेंज हो गया। अब ये रेड जो है आई साइड के ऊपर हो गया और वायलेट हमको नज़र आ रहा,
उस वक्त से सेकेंड है ना प्राइम सेकेंडरी जो है रेनबो में क्या होगा, वायलेट ऊपर नज़र आएगा हमको और रेड नीचे नज़र आएगा। तो एक ब्राइटली है ना ब्रीफली आपको समझाया, लेकिन आपको आंसर लिखने के लिए आसान होता है इसलिए जो है मैं आपको यहाँ पे प्रिंट करके बता दिया। मैं आप एक बार देख लीजिए है ना ये जो सेंटेंसेस है, इस लिहाज से आंसर लिख लीजिए तो आसान भी हो जाएगा, समझ में भी आएंगे आपको। अब वही चीज़ अभी मैं समझाया उसको आप सेंटेंस वाइज देखिए भैया। रेनबो क्या है भाई, इज़ द फिनोमिना ड्यू टू कम्बाइंड इफेक्ट ऑफ, क्या है तीन चीज़ें हैं इसमें, रिफ्रैक्शन हो रहा पहले जैसा जो है ड्रॉप पे लग रहा, फिर डिस्पर्शन हो रहे कलर्स अलग अलग, फिर उसके आगे जाके क्या रहा फिर से ये लग के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट बाय स्फेरिकल वाटर ड्रॉपलेट्स, समझ गया ना भाई। कब फॉर्म होता है, इट फॉर्म्स ऑन ए रेनी डे व्हेन सन इज शाइनिंग ऑन वन पार्ट ऑफ द स्काई व्हाइल इट इज़ रेनिंग ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द पार्ट, है ना, जब बारिश हो रही और सूरज भी निकल गया उस वक्त पे जब जो है रेनबो फॉर्म होता है। कैसा होता है सुनिए, सनलाइट इज फर्स्ट रिफ्रैक्टेड, सबसे पहले वाटर ड्रॉप पे क्या होता है रिफ्रैक्टेड होता है एज एंटर्स द रेन ड्रॉप, उसके बाद क्या होता है देन इज हैव डिस्पर्शन, डिस्पर्शन किसको बोलते हैं कलर्स अलग अलग हो जाते हैं, कलर्स ऑकर्स एज डिफरेंट वेवलेंस है और डिफरेंट कलर्स है और डिफरेंट वेवलेंस। अभी समझना भी जिसका वेवलेंस ज़्यादा होता वो कम डिविएट होता, एज रेड हैज लॉन्ग वेवलेंथ इट बेंट द लीस्ट, ये ज़्यादा डिफ्लेक्ट नहीं होता है ना, ज़्यादा इसका एंगल नहीं होता, वेयर एज द वॉयलेट विद द लीस्ट वेरिएशन लीस्ट वेवलेंथ बेंट एट मोस्ट, उस से क्या हो कलर्स अलग अलग हो जाएंगे, द अदर कलर्स विल लाई इन बिटवीन देम। अब आगे क्या है देखिए, दिस रे स्ट्राइक्स द इनर सर्फेस ऑफ द ड्रॉप, फिर आगे जाके क्या हो रहा ड्रॉप पे लग के फिर क्या हो रहा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, द रिफ्लेक्टेड इज अगेन रिफ्रैक्टेड एज इट कम्स आउट ऑफ द ड्रॉप, फिर ड्रॉप के बाहर निकलते हो फिर रिफ्रैक्ट हो रहे एज शोन इन द फिगर, दस द ऑब्जर्वर सीज रेनबो विथ रेड ऑन द टॉप, पहले क्या दिखेंगे ऊपर रेड एंड वायलेट एट द बॉटम, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी रेनबो, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी रेनबो। सेकेंडरी में खाली फर्क क्या होगा, एक के बजाय दो इंटरनल रिफ्लेक्शन होंगे, कैसा देखो समटाइम्स द लाइट रेज अंडरगो टू इंटरनल रिफ्लेक्शंस एंड अनदर फेंट, फेंट यानी एकदम फीका पहले कैसा डार्क नजर आता रेनबो ऑकर्स, इसको क्या बोलते भाई इट इज कॉल्ड सेकेंडरी रेनबो। इसमें क्या था पहले वायलेट दिखेगा ऊपर फिर नीचे दिखेगा रेड। तो ये क्लास में भाई हम क्या पढ़े अबाउट द रेनबो फॉर्मेशन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको हम कंटिन्यू करेंगे। आप लोग से गुजारिश है भाई इसको लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसका कंटिन्यूशन होगा।